हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूँ राधे, आपके अपने चैनल लर्न देन अर्न स्टॉक मार्केट। तो कल का हम देखेंगे कैरी पोजीशन जो हमारा था वो क्या है। इसमें हमारे को ग्रासिम में अब ये चल रहा पोजीशन देख सकते हैं आप। तो थोड़ा देर वेट करते हैं, हम देखते हैं क्या इसकी है डेप्थ। 7.75 का बोल रहे हैं, 8.40 का सेल चल रहा है, 8.35 का भाव यहाँ पर चल रहा है। तो हम अब थोड़ी देर बाद देखेंगे, कुछ वेट करते हैं मार्केट क्या चल रहा है। मार्केट 55 पॉइंट निफ्टी ऊपर है और 155 ग्रासिम और बंधन बैंक देखते हैं। समथिंग 1.5 पॉइंट ऊपर है बंधन बैंक और ग्रासिम 2 पॉइंट ऊपर है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं गाइस। तो गाइस हम बंधन बैंक पे ऐसे लगा रहे हैं, आज का लो इसका है 6.90 रुपये और यहाँ पर हम लगाएँगे 7 रुपये। तो ये काम नहीं करेगा तो हम 6.80 रुपये करते हैं इसको हम, और ऑर्डर को रिव्यू सेल करते हैं। और ग्रासिम में तो ग्रासिम का हम देख लेते हैं क्या है इसका चार्ट। हट नहीं रहा सब कुछ ग्रासिम, 1 मिनट तो दिखाई नहीं रहा ग्रासिम का क्या चल रहा है। 13.75 रुपये का दिखा रहा है, लेकिन अभी डेप्थ क्या इसकी है 10 रुपये के आसपास, 17 रुपये, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे सेल नहीं पाएगा गाइस। इसलिए हम बोलते हैं कि मार्केट डेप्थ देखना है हमेशा, कि मार्केट डेप्थ क्या चल रहा है। इसलिए प्राइस बहुत ज़्यादा असमान है और यहाँ पे हमें इसका चार्ट भी मिल नहीं पा रहा है। देखेंगे तो हम इसको 5 मिनट कर लेते हैं ना। ये यहीं पे 13.75 रुपये पे जमा हुआ है, अब ये अब जाके थोड़ा सा ये मूव किया है। तो 13.75 है तो हम इसका 13 कैसे लगा लेते हैं, क्या करते हैं इसको स्क्वेयर अप कर लेंगे और मार्केट और स्टॉप लॉस और 13 रुपये करते हैं और यहाँ पे 13.25 रुपये हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। हम देखते हैं पोर्टफोलियो हमारे को 900 रुपये लॉस हो रहा है समथिंग बंधन बैंक में, 7.20 रुपये इसका मार्केट डेप देखते हैं। इस यहाँ पे लगभग ठीक है और यहाँ देख लेते हैं ग्रासिम टूट रहा अभी भी है थोड़ा सा, तो हम थोड़ा वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है, ऐसे रिस्क लेते हैं थोड़ा। और मुझे लगता है कि ग्रासिम यहाँ से टूटना चाहिए, इसका ओपन हाई सेम है क्या शायद, मुझे लग रहा है इसका ओपन हाई लगभग सेम है, तो थोड़ा सा हम इसको वेट कर लेते हैं। तो गाइस हमारा बंधन बैंक में ऐसे हिट हो गया आज। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि आज 18 तारीख है और 24 तारीख को इसका एक्सपायरी है, इसलिए देखिए आपको यहाँ पे ग्रासिम जो है अभी एक इससे पहले चार्ट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए काफ़ी नीचे गया था पर फिर भी इसने क्या किया ऐसे हिट कर दिया, क्योंकि प्रीमियम डीके बहुत तेज हो रहा है। और बंधन बैंक का देख लीजिए, ये देखिए बंधन बैंक भी नीचे आया फिर ऊपर गया, लेकिन प्रीमियम डीके इतना तेज हो रहा है कि अब चल नहीं पाएगा, इसलिए बाइंग करके ट्रेड करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन में बाइंग अभी कर रहे हैं एक्सपायरी के नज़दीक स्टॉक में, तो ज़्यादा देर तक ना बने उसमें। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आज हम थोड़ा जल्दीबाजी, तो मान लीजिए सबको ही फियर डर रहता है। बंधन बैंक 5.70 रुपये इसमें से हम निकल गए थे, ठीक ही था, बट ग्रासिम जो है अच्छा चला अभी 15.20 रुपये, मतलब ग्रासिम टूट रहा है। लेकिन ग्रासिम 1444 टूट चुका है और हम इसका क्या बोलते हैं, मेरा ऑर्डर एक नहीं लग पाया कि इसमें अप स्टॉक में ही प्रॉब्लम है। मैं विप्रो के कॉल ले रहा था 15.20 रुपये पर, अब देखेंगे कितना चल रहा है इसको, देख लीजिए आप 16.30 रुपये, यानी 1 रुपये बढ़ गया है, 1.10 रुपये। और इसका हम लार्ज साइज देखेंगे तो 1600 का है, यानी हमको 2000 रुपये प्रॉफिट मिल गया होता। लेकिन क्या टेक्निकल इशू, देखिए अभी हमने ऑर्डर लगाए हैं, अब यह 9.50 पर चला गया, ये ले ही नहीं रहा है कब से मैं ऑर्डर, इसको 8 रुपये से लगाते लगाते कहाँ चला गया। तो कई बार ऐसा हो जाता है गाइस, तो कोई टेंशन नहीं, फिर देखेंगे किसी न किसी में पोजीशन बनेगा तब बाय करेंगे, तब तक के लिए वेट करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं कोई भी ट्रेड लिया नहीं हूँ, क्योंकि फंड की कमी है, क्योंकि मूवन डिजिटल ट्रेडर्स के पास पैसे कमी होते हैं, वरना देख सकते हैं आप मेरा बना रहा था मैंने विप्रो में क्या अच्छा बना हुआ था मेरा, अभी भी प्रो 19 रुपये चल रहा है और 1600 का लॉट है, तो आप सोच सकते हैं 15 3 18 5000 रुपये मुझे मिल गए होते हैं।
और मैं अपना आपको अपना ग्रुप दिखा दूँ तो ये देखिए, मैंने कल ही इसको बताया था शॉर्ट करने के लिए कि हिंडाल्को सपोर्ट पे है, और ये JSW, ये ट्रेंड लाइन देख सकते हैं आप, ये शॉर्ट करने के लिए बोला था, और उसके बाद कॉल पोल तो भी इसमें बन रही है, और विप्रो ऐसे मैंने, ये मेरा प्राइवेट ग्रुप है, और इसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे सिर्फ अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं जोड़ दूँगा। कोई इसके चार्जेस नहीं है कि कोई चार्जेस है, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, देख सकते हैं ये, इसमें भी कॉल देता हूँ लेकिन कम। अमूमन मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ही देता हूँ, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे से तो कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ सीखने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे से। तो गाइस अभी मैं बता दूँ आपको, मैंने ट्रेड लिया है कोटक बैंक का लिया हूँ, क्योंकि थोड़ा फंड कम है ना, बन नहीं पा रहा है कुछ, तो इसमें मुझे DVS लैब में अच्छा मिला था, बट मैं बाय नहीं कर पाया, नीचे मिला था 4420 के आसपास 15 मिनट कैंडल पे। मैं दिखाता हूँ आपको ऑर्डर, देखिए कोटक में मैंने ऐसे लगा दिया है, बाइंग प्राइस अपना ऐसे लगा दिया है। LIC हाउसिंग में था, वो भी नहीं बाय कर पाया, और देखेंगे तो NMDC का था, मैंने कई सारे ट्रेड ट्राई किया, लेकिन मेरा सबसे मेन था विप्रो होगा जो निकल गया हाथ से, बहुत अच्छा था। आपको दिखा दूँ मैं तो LIC हाउसिंग में, अब ये नीचे भले आ रहा है लेकिन 15 मिनट के कैंडल पे बाइंग बना हुआ, देखिए भी यहाँ पे बाइंग बना है 64 के आसपास, अभी 2 पॉइंट ऊपर है, तो वैसे ही सब में बना हुआ है दिख रहा है मुझे। कोटक बैंक में ही देखिए मुझे बना हुआ था थोड़ा, तो इसमें भी देखिए इसमें तेज़ी, इसमें मैं पोजिशन बनाया हूँ अपना, और मैं आपको बता दूँ कि मेरा ग्रुप देखिए मैंने